सिंगरौली जिले के सराई में नल जल योजना में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट की चोरी का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है, जिसमें सरगना सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि सराई में नल योजना के तहत बनाई जा रही पानी की टंकी में उपयोग होने वाले सामान की चोरी हुई थी, जिसके बाद नल जल योजना के कर्मचारियों ने अपना सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही कर 4 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि चोरों का सरगना बड़ोखर गांव का निवासी कमलेश गुप्ता है, जिसने अपने साथ और चोरों को भी पाल रखा था, जो चोरी करने से पहले उस जगह की रेकी करते थे और बाद में चोरी की घटना को अंजाम देते थे, जिनका पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। लेजर के माध्यम से जिसको उन्होंने हमारे कप्तान साहब एसपी मैडम को अवगत कराया था, एसपी मैडम ने एसडीपी के नेतृत्व में थाना चौकी प्रभारियों की टीम बनाई थी और उस टीम ने लगातार प्रयास करके इस चोरी के खुलासे करने में सफलता पाई है। इसमें जानकारी लगी कि कमलेश गुप्ता बड़ोखर में जिनकी कबाड़ की दुकान है, इन्होंने इनकी दोस्ती एक गन्ने के राजबरी साकेत से थी। राजबरी साकेत इनको जानकारी देता था कि कौन सा माल कहाँ पड़ा हुआ है, जिसमें ये अपने बड़ोखर के कुछ साथियों के साथ चोरी करवाता था और उस माल को इधर उधर बेचता था खरीदारी करने के बाद। इसमें 2 आरोपियों की और जानकारी पुलिस को लगी है, जिनके पास और माल हो सकता है, पुलिस उनकी पतासाजी कर रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।